नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी के तीनों सीटों पर अपने दाव चल दिए हैं। शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला से और श्रीनगर से आगा रूहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ को मैदान में उतारने की घोषणा कर चुकी है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उनके विरोधी उम्मीदवारों के पीछे खड़े हैं। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा और घाटी के बहुत सारे नेता एक दूसरे से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भाजपा नेता तरुण चुंग का आना और सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी से मुलाकात करना ये साफ इशारा करता है कि ये सभी पार्टियां बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा DPAP अपनी पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन पार्टियों को भाजपा की टीम बताने में लगी है, जबकि जवाब में कश्मीर के विरोधी पार्टियों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP भाजपा के साथ बीते सालों में सरकार में रह चुके हैं। उमर ने कहा कि बीजेपी को परिवारवाद के साथ कुछ नहीं लेना देना है। उनको अगर कुछ परेशानी है तो उनके खिलाफ जो भाजपा का विरोध करते हैं, उमर ने कहा हम विरोध करते आए हैं और हम करते रहेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उमर ने कहा कि इसे करवा कर भाजपा जनता पर कोई एहसान नहीं करेगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद चुनाव होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी हाल ही में लड़ी गई विधानसभा सीट परिसीमन के बाद उत्तरी कश्मीरी के साथ जुड़ गई है, भाजपा इसके लिए धन्यवाद। आगा सैयद राहुल्ला मेहंदी प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। मध्य कश्मीर की बाटगाम सीट से वो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। वो अपने पिता आगा सैयद मेहंदी के उत्तराधिकारी के रूप में जाने माने शिया धर्मगुरु माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में है। दोनों पार्टियों ने 3-3 सीटें बांट ली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के खाते में जम्मू कश्मीर क्षेत्र की 2 और लद्दाख की 1 सीट है। जम्मू की 2 सीटों में शामिल उधमपुर पर चौधरी लाल सिंह और जम्मू सीट पर रमण भल्ला कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। लद्दाख की सीट पर अभी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है।